आज हमने हमारे आरएसएस से, हमारा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक निर्णय लिया है कि इस लोकसभा चुनाव में जो मोदी जी दावा आज कर रहे हैं बीजेपी 400 पार, वो 400 पार को कैसा रोक सकते हैं, इसका मंथन हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने किया और ये निर्णय लिया है कि इस चुनाव में बीजेपी को हराना है, देश को बचाना है, संविधान को बचाना है। इसलिए 400 पार का जो सपना है बीजेपी का, वो कैसा चूर कर सकते हैं और हमारा संविधान कैसा बच सकता है। बीते 10 साल से बीजेपी यहाँ राज कर रही है और इस 10 साल में हमने क्या पाया, हमने क्या खोया, आज हमारी स्थिति क्या है, मतलब ये संविधान का पूरा उल्लंघन है। संविधान में ठीक है, अगर वो जिम्मेदार भी होंगे, भ्रष्टाचार किया भी होगा, ऐसे कई मामले हैं जो 10-10, 20-20 साल से इस देश में चल रहे हैं, लेकिन उनको ना अरेस्ट किया गया। और ताज्जुब की बात है, पूरे विपक्ष ही लोग भ्रष्टाचारी है क्या? बीजेपी का आज तक एक भी लोक प्रतिनिधि हो, आमदार हो, खासदार हो, मंत्री हो, उसके ऊपर एक भी केस नहीं है। ऐसे स्थिति में संविधान बचाना हो तो हमें ये बीजेपी को हटाने के लिए इंडिया गठबंधन को ही वोट देना जरूरी है, ये समझाने के लिए हम मतदाताओं में जाने। हमने प्रेस नोट में लिखा है, ये सारी चीजें हैं। अब सबको एक एडवर्टाइज चलती है, सबको मालूम है, भारत के 80 करोड़ जनता को, 80 करोड़ जनता को फ्री का राशन 5 किलो दे रहे हैं, फ्री का नाम है फ्री का, गरीबों को हम राशन बांट रहे हैं। अब आप सबको मालूम होगा, वो जो चावल मिलता है, वो जो गेहूं मिलता है, वो जानवरों को खाने के लिए। पूरे शहर में आपने सुने भी होंगे, घूमे घूमकर वो राशन से जो चावल मिलता है, खुले आम 20-22 रुपए किलो से बेचा जा रहा है। और वो किसको बेचा जा रहा है? उन्होंने एक अनाज माफिया पैदा किया है। ये तो नाम है बाहर, गरीबों का 80 करोड़ गरीब जनता को हम चावल बांट रहे, फिर में गेहूं बांट रहे, लेकिन वहां से वो गरीबों को फायदा नहीं मिल रहा। 90% जनता 20-22 किलो के भाव से बिकते हैं और वो अनाज माफिया खरीदते हैं। कौन खरीदते? वो अनाज माफिया उसके 40-60-70-80 रुपए भी बना रहे हैं। इसका मतलब ये जनता को समझ में नहीं आ रहा। आज हम ये देख रहे हैं, इस वक्त ये पोजीशन है अभी आज की, कि हर कोई जो भी भारत का नागरिक है वो हकदार है इसका कि संविधान में जो हमारे अधिकार है वो हमें मिलना चाहिए। और इसीलिए हमने महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में और पूरे देश में जो इंडिया गठबंधन बना है उसको समर्थन देने के लिए हम आपके सामने आए हैं। और समर्थन बोले तो खुलेआम ये समर्थन तो है, लेकिन हम हमारा मैंने पहले कहा है कि वोटरों को हम जागरूक करने वाले हैं। आरएसएस पॉलिटिकल विंग नहीं है, ये एक सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है। इस देश में एक ही आरएसएस है और वो हम, ये हमारा खुलेआम दावा है। इसके अंदर किसी को ऑब्जेक्शन होगा तो बोलो कि कागज दाखिल करो, पहली चीज ये विषय सेट करते हैं। इलेक्शन में क्यों हमारी मजबूरी है कि इस बार हम किसी एक ऐसे संगठन का साथ दें, ऐसे गठबंधन का साथ दें जो संविधान के स्वरूप में चलने की ताकत रखता हो। हम हर उस व्यक्ति के, हर उस कैंडिडेट के विरोध में काम करेंगे जो संविधान के विरोध में कहीं ना कहीं हमको नजर आ रहा है। इंडिया गठबंधन हमारे लिए एक बड़ा स्वरूप लेके सामने आया है, इसलिए हमको लगता है कि बीजेपी को रोकने के लिए इंडिया गठबंधन के साथ हमने मिलकर काम करना चाहिए। हमारी आरएसएस आज तकरीबन 2.5 लाख प्लस कैडर के साथ में इस इंडिया में मौजूद है और हम हमारे कैडर्स को हमने साफ आदेश दिया हुआ है कि हर उस व्यक्ति का हम साथ देंगे जो कहीं ना कहीं उन मानवादी विचारधारा के विरोध में काम करने की क्षमता रखता हो।